नमस्कार दोस्तों, इनके सी न्यूज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन के बारे में। दोस्तों तो दोस्तों आपको महत्वपूर्ण सूचना इस वीडियो में देते हैं। दोस्तों यहां देख पा रहे हैं इस चैनल पर आपको दोस्तों रेलवे भर्ती से सारे अपडेट मिलते रहते हैं। दोस्तों आपको पल पल की खबर हमेशा अपडेट करते रहते हैं। दोस्तों तो यहाँ आप यदि चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, तो वहाँ जाके आप ऐड हो जाना। वहाँ पर दोस्तों रेलवे भर्ती 2028 की या आप किसी भी पद के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों सारे क्वेश्चन आंसर उस पर अपलोड किए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ देख रहे हैं कंप्यूटर का क्वेश्चन आंसर, करंट अफेयर और रेलवे ग्रुप डी एएलपी के जीके यहाँ भी उपलब्ध हैं। पॉपुलर अपलोड में जाके देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं जीके रेलवे के जीके हैं, आपको टेस्ट लिया गया है और मैं आज भी अपडेट किया हूँ, तो आप टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं तो दोस्तों और एन के न्यूज़ पर हमेशा माइंड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों कुछ की तरफ बढ़ते हैं। कुछ की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग आपको बताना चाहते हैं दोस्तों जो अपडेट है यहाँ देख पा रहे हैं रेलवे ग्रुप सी और डी की जो भर्ती के लिए जो है गुड्स गार्ड्स एवं टीसी रिजर्वेशन क्लर्क आदि के लिए पदों पर होगी नियुक्ति फिर दोबारा। दोस्तों तो क्या अपडेट, आपको पूरी अपडेट बताते हैं दोस्तों। उससे पहले माइंड कुछ की तरफ आपको ले चलते हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी राज्य में है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चेन्नई, गुजरात या जम्मू कश्मीर या पश्चिम बंगाल। आपको जल्द से इस क्विज का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख डालना है, सही जवाब देने वाले को मिलेगा एनकेसी न्यूज़ की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट। क्या अपडेट है, अपडेट की तरफ ले चलते। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ रेड कलर के बटन दिखता होगा, इस पर क्लिक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ मिलकर छोटा सा बेल बटन उसको दबा देना ताकि हम सब आपस में कनेक्ट रहेंगे ऐसी कम खबरों से। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना फेसबुक व्हाट्सअप पर। तो आपको अपडेट की तरफ ले चलते हैं, यहाँ देख पा रहे हैं तो ये हैं इसमें लिख रखा है रेलवे में फिर होगी बम्पर भर्ती। देख रहे हैं इसका टाइटल से भी आपको समझ में आ गया होगा, जो बम्पर भर्ती है फिर दोबारा निकलने वाले, इसके बाद निकलेंगे दोस्तों। 89,000 पदों पर की भर्ती प्रक्रिया होने के बाद 60,000 से ज़्यादा पद भरे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ देख पा रहे हैं रेलवे ने नौकरी की चाह रखने वाले युवकों के लिए राहत भरी खबर, ग्रुप सी और ग्रुप डी के 90,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया करने के बाद रेलवे इस वर्ष एक बार फिर से 60,000 से ज़्यादा पदों पर नियुक्तियों के लिए आवेदन निकालेगा। जिन पदों पर नियुक्ति होगी उसमें गुड्स गार्ड, टीसी, रिजर्वेशन क्लर्क आदि के पद भी शामिल होंगे। दरअसल रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2018 में रेलवे के 1.5 लाख रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का ऐलान किया था। इसकी शुरुआत पिछले माह ही शुरू हो गई थी और जो है देख रहे हैं शुरू की हुई है। और रेलवे ने ग्रुप सी के असिस्टेंट लोको पायलट और तकनीशियन के वर्ष 1,000 ये सब जो और लिखा है पूरी अपडेट। और देख रहे हैं यहाँ जो है आरपीएफ में जो है असिस्टेंट कांस्टेबल में भर्ती होगी। यहाँ कुछ पद जो और हैं आरपीएफ में भी बचे हुए हैं, वो भी आपको 2018 तक भर्ती ले ली जाएगी। तो दोस्तों और यहाँ देख रहे हैं टीचर की भी बहाली निकली है, आपको अगले वीडियो में टीचर की शिक्षक भर्ती के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो ऐसे ही अपडेट रहना है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का, तो दोस्तों वहाँ पर जाके ऐड हो जाना। आपको रेलवे भर्ती 2018 की महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर उस पर अपलोड किए गए हैं, तो आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों आपको जो यदि ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में निश्चित ही डाल देना। तो दोस्तों फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में छोटा सा बेल आइकन उसको दबा देना ताकि हम सब आपस में कनेक्ट रहेंगे इसी कम खबरों से। दोस्तों तब तक लिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।